नमस्कार, मैं हूं सुमैया अंसारी और आप देख रहे हैं यूथ कॉर्नर। जौनपुर केराकत पोस्ट ऑफिस में हो रही है कर्मचारियों की लापरवाही, आइए बताते चले। खबर है उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत केराकत पोस्ट ऑफिस में हो रही है आए दिन लापरवाही, जिससे आम जनता होते हैं परेशान। आज दिनांक 3 दिसंबर 2020 को 10:20 तक पोस्ट ऑफिस केराकत में कोई कर्मचारी नहीं। आधार संशोधन हेतु लोग आकर 9 बजे से खड़े हैं। एक कर्मचारी आया जो बिना मास्क के था, पूछने पर जवाब दिया, मुफ्तीगंज जौनपुर 3 दिसंबर गुरुवार को दफ्तर हो या सरकारी ऑफिस, कर्मचारी समय पर नहीं पहुंच रहे। प्राप्त जानकारी के अनुसार संवाददाता जब पोस्ट ऑफिस केराकत 10:10 पर पहुंचा तो वहां किसी कर्मचारियों को ना पाकर स्तब्ध रह गया। एक कर्मचारी आया भी तो मास्क नहीं लगाया था। उससे ना लगाने का कारण पूछा तो वह कुछ बोल ना सका और कहा कि आपको जो लिखना है लिख दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम भी नहीं बताया। जनता परेशान है, कर्मचारी मस्त हैं, ऐसे में क्या मतलब? जनता के नुमाइंदे ही जनता को बरगला रहे हैं, बैठकर तनख्वाह बना रहे हैं, सरकार के आदेशों की कर रहे हैं अवहेलना। क्या काम आपका है? आधार कार्ड संशोधन। कब से खड़े लाइन लगा के? एक घंटे हो गए आपको, अभी कोई आया नहीं है? अभी कोई कर्मचारी आया अभी तक? एक आए हैं, बस एक कर्मचारी आया है अभी तक। कितना बजा हुआ घड़ी में? घड़ी में हो रहा है 9:20, अरे 10:20, 10:20 हो रहा है इसमें। देखिए, पोस्ट ऑफिस किराकत है, यहाँ पे टोटल कर्मचारी गायब है। सर आप कर्मचारी यहाँ पे हैं? और कोई आया नहीं सर? अभी आ रहे हैं। और मास्क क्यों नहीं लगाए सर? हाई कोर्ट से आदेश है और डीएम साहब का आदेश है, कोई बिना मास्क के कार्यालय नहीं रहेगा। हैं क्यों सर? अरे जवाब दे दीजिए सर। अभी ये खास रिपोर्ट थी आजमगढ़ सरायमीर से नीरज कुमार प्रजापति की। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें यूथ कॉर्नर के साथ।